कवि गिरधारी सिंह पड़ियार ने कहा, रल आदो आद अंग पूरो जद मिनख लुगाई कुण कम है, जे नर है नद पुरुषार्थ रो तो नारी उन रो उद्गम है। मैं नारी शक्ति की इस बात से कि जीव जो बने उसमें नर और मादा दोनों बने, और दोनों के अस्तित्व में कहीं कोई कम या ज्यादा किसी को आंका नहीं जा सकता सभापति महोदय। लेकिन एक जमाना था जब मात्र सत्तात्मक परिवार था, माँ जननी थी, उससे सृष्टि आगे बढ़ी, लेकिन आज पितृ सत्तात्मक परिवार है और ये व्यवस्था पूरी दुनिया में ज्यादा प्रभावी है कि मनुष्य में आदमी ज्यादा ताकतवर है, महिला कम ताकतवर है, जबकि समाज में बराबरी की जरूरत है। हम जब मनुष्य की बराबरी की बात करते हैं तो जातियों में बराबरी से पहले महिला और पुरुष की बराबरी की बात हमने करनी चाहिए। एक सभ्य राष्ट्र के लिए, एक विकसित राष्ट्र के लिए अगर हम अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। इसी तरीके से इस बात की, इस संदर्भ को हम आगे बढ़ा सकते हैं कि जनजाति विकास की बात करें तो भी मेरे बहुत सारे साथियों ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जनजाति क्षेत्र में आज भी स्थितियां ठीक नहीं है। मैंने इसी सदन में बार बार ये बात दोहराई कि जनजाति क्षेत्र का उतना विकास नहीं हुआ जितना विकास होना चाहिए था। साथियों ने रेखांकित करा कि वहां से अफसर नहीं बने, वहां से कर्मचारी नहीं बने। अब जो कांकरी डूंगरी का मसला था वो इसी बात की उपज थी। वो लोग मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो बाहर के लोग लगे हुए नौकरी, इनको भेजो, हमारे लोगों को रोजगार दो। हालांकि आंदोलन का तरीका गलत हो सकता है, इसी वजह से उनका दमन भी हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि बराबरी का दर्जा हो। जो टीएसपी क्षेत्र की मांग बार बार उठती और जो ये वहां बैठे लोग जो 10-10, 12-12, 14-14 साल से लोग बैठे, उन लोगों को नॉन टीएसपी क्षेत्र में भेजो और टीएसपी क्षेत्र के लोगों को रोजगार सिर करो, उनको रोजगार दिया जाए। अगर जनजाति क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो उनकी भाषा में, उनके तरीके से, उनके लोगों को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक उनका विकास नहीं होगा। सिर्फ कुछ एनिकेट से या सिर्फ कुछ योजनाओं से हम उन लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकते, हम उनको बराबर ला करके खड़ा नहीं करेंगे। सभापति महोदय, ये पूरा का पूरा राजस्थान जिसका अच्छा और सुंदर इलाका, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग रहते हैं, हरा भरा इलाका जहाँ खनिज संपदा भी है, लेकिन उस इलाके के लोग इतने पिछड़े हुए कि आप सोच नहीं सकते। आप तो वहां रहे होंगे, पोस्टेड भी रहे होंगे, लेकिन वहां की स्थिति तुलनात्मक, हमारे इलाके में कोई खनिज संपदा नहीं, दो फसलों में से एक फसल होती है, फिर भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, फिर भी लोग अच्छे से पढ़े लिखे। आप बार बार जिक्र कर रहे कि साहब स्कूलों की स्थिति खराब, हमारे यहाँ स्कूलों की स्थिति अच्छी है क्योंकि पढ़ाई पहले आ गई, जागरूकता पहले आ गई, तो लोगों ने स्कूलों को उतना तवज्जो दी जितना लोग मंदिर की तवज्जो देते हैं, घर में माँ बाप की पूजा करते हैं, वैसे लोगों ने स्कूलों की, कॉलेजों की पूजा करी। मैं धन्यवाद तो करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 1000 आंगनबाड़ी का जिक्र करा, लेकिन स्कूल खोलने चाहिए थे 1000, कम से कम स्कूल, ज्यादा से ज्यादा स्कूल। 50 घरों की बस्ती है कोई आदिवासी की, वहां एक स्कूल होना चाहिए ताकि वहां के बच्चे पढ़ें। प्राइमरी स्कूल भी खुल जाएगा तो वहां के बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब बच्चा पांचवी तक पढ़ लेता है तो उसके बाद हो सकता है वो दूसरे साधन से दूसरी जगह 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाकर के भी पढ़ ले। ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार उनके बेहतर जीवन के लिए, उनके बच्चों के कुपोषण से बाहर उभारने के लिए, महिलाओं को कुपोषण से बाहर उभारने के लिए सरकार टाडा माडा में जो भी योजना लेकर के आई है उसकी गंभीरता से जांच करे और गंभीरता से उन पर काम करे, उनका अमल ढंग से करे। बार बार जो बात पूरे दिन से डिस्कशन मारी वही बात, साहब बजट तो आया लेकिन लगा नहीं, लगा है तो मंत्री महोदय ये बताएं, इस चीज का प्रचार भी करें। अब जैसे महिलाओं को बराबर लाने के लिए या महिलाओं को स्वाभिमान प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने योजना लाए, एक उड़ान योजना, मैं कहता हूँ महिला बाल विकास बाकी से अच्छी कोई योजना ही नहीं हो सकती, लेकिन पूरे दिन में दो आदमियों ने जिक्र करा है उड़ान का। उड़ान वो योजना है जिससे आज से 50 साल पहले के हर किसी के समाज की बात को, महिला को आज स्वाभिमान मिला है कि उसको सरकार ने उसकी चिंता करी, उसके स्वास्थ्य की। महिलाओं में जो गुप्त रोग होते थे उन पर पाबंदी लगेगी और महिलाओं में बराबरी का दर्जा की एक स्थिति पैदा होगी। सभापति महोदय, हम ये भी चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में जो वनवासी के नाम से विभिन्न संगठन चलते हैं, शायद उन संगठनों ने ठगा ही होगा। वनवासी अधिकार कानून आया, आज कितने वनवासियों को पट्टे दिए गए, उन वनवासियों की जमीन आज भी बड़े पूंजीपति छीनने के फिराक में
आप पूरे देश की बात करें, एनजीटी कानून ला करके वनवासियों को रोका गया, वहां अगर कोयले खोदने की बात चली है तो आराम से खुदा होगा, लेकिन वनवासी को एनजीटी के नाम पर पट्टे नहीं दिए गए, उनके जमीन का कानून, उनका अधिकार छीन लिया गया। इसलिए वनवासी जो लोग हैं उनको जमीनों के पट्टे बिना किसी शर्त के तुरंत प्रभाव से जारी करे जाएं। मैं आंगनबाड़ी पर अपनी बात रखते हुए कहना चाहूंगा कि जो पोसार आंगनबाड़ी में बन रहा है, वो पोसार जो बाहर से जाकर के देते हैं शुष्क पोसार, जबकि गर्म पोसार देना चाहिए और आंगनबाड़ी पर ही तैयार होना चाहिए। पोसार देने के लिए आपको जो आपका स्वयं सहायता समूह जो आंगनबाड़ी का है खुद का, वो समूह ही उस पोसार का निर्माण करे। आंगनबाड़ी में जो मानदेय आशा सहयोगियों को, सहायिका को, साथियों को और कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जा रहा है, ये मानदेय आज के दिन में बहुत कम है। मेरे सारे साथियों ने इस बात की चिंता जाहिर करी है, मुझे भी इस बात की चिंता है कि जो हर चीज में, हर सरकारी काम में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता साथी सहयोगी सब भाग लेती हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाए और इनको जब रिटायरमेंट हो इनका, तो उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। जैसे कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करिए, वैसे ही आंगनबाड़ी के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 चक ऐसे हैं जिनमें अभी तक स्कूल नहीं है, 20-20 ढाणियां हैं, उसमें 12 DPN और 15 DPN, जहां आंगनबाड़ी सेंटर एक बार आप खोल दें उनके नजदीक, फिर 7 किलोमीटर दूर स्कूल है, बच्चे फिर वहां जाने लायक हो जाएंगे। मैं ये मांग करता हूं कि जो आपने आंगनबाड़ी सेंटर खोलने की घोषणा करी है, वो जल्दी से जल्दी इन आंगनबाड़ी सेंटरों को चालू करवाया जाए, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि बजट में जो घोषणा हुई उसको लागू किया जा सकता है। मैं सभापति महोदय, जो प्रशासन गांव के संग कैंप हुआ, उस कैंप में मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 56 कैंप गांवों में लगे, उस 56 में से 28 कैंपों में मैं उपस्थित रहा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आंगनबाड़ी की बहनों का, उन्होंने गोद भराई रस्म को और दूसरी जो रस्में आपकी थी उनको इतने जोरदार तरीके से लागू करा। मैं मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, ऐसा जोरदार कार्यक्रम की वो उस पूरे कैंप की रौनक आपका विभाग था और खूब काम हुए उस कैंप में, लेकिन उसकी जो रौनक आंगनबाड़ी ने करी, उसी बातों को संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आप उनका मानदेय बढ़ाओ और उनका हौसला अफजाई करो। बहनें बहुत जोरदार मांग करती हैं। थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा करी तो उनके 15% बढ़ाया है, 15% की बजाय कम से कम 50% उनका मानदेय बढ़ाया जाए। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पुखराज जी,